अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री मक्खन लाल गोयल ने शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि संगठन के स्थापना दिवस के 29 वर्ष पूरे होने पर 3 सितंबर को व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें शहर के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यापारियों को सिविल लाइन स्थित एक निजी मैरिज हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस सम्मान समारोह में कपड़ा व्यापारी, डॉक्टर, समाज सेवी कुल 29 व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में व्यापारी वर्ग सबसे अग्रणी है, सरकार के साथ रहकर सबसे आगे सामाजिक कार्यों में सहयोग करता है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान व्यापारी का होता है। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित करने के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सरकार से मांग कर रही है, जो कि व्यापारी का भी हक होता है, क्योंकि देश का रक्षक फौजी और देश की अर्थव्यवस्था का रक्षक व्यापारी ही होता है। इस अवसर पर जिला महामंत्री अमित टेबड़ीवाल, महानगर अध्यक्ष सुरेश सुद्रानिया, रवि अग्रवाल, प्रभु दयाल कमलापुरी, पवन जलान, मोहम्मद साहेब सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री मक्खन लाल गोयल ने कहा, मक्खन लाल गोयल, प्रांतीय संगठन मंत्री, उत्तर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। किस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है? 3 सितंबर 1993 में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना हुई थी। व्यापारी के हितों में और समाज के अच्छे कार्यों के लिए हम लोगों ने स्थापना की थी। हम लोगों की मांग है कि इस दिन सरकार व्यापारिक दिवस घोषित करे। इसी उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में 3 सितंबर को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें जो शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, जो भी समाज सेवी हैं, 29 लोगों को हम लोग सम्मानित करें। यहाँ पे कल इसका प्रोग्राम है जिलाधिकारी आवास के सामने वेस्ट मिलान में। कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? 29 लोगों को। 29 साल हो गया तो 29 लोगों को। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय, विशिष्ट अतिथि SSP साहब।